हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं करी लीव्स चिकन फ्राई। ये बहुत ही स्वादिष्ट एक रेसिपी है और इसे आप रोटी, नान, पराठा के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले करी लीव्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई गरम करके उसमें हम 2 मुट्ठी करी लीव्स ऐड करेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और कुछ मिनट फ्राई करने के बाद जब करी लीव्स क्रिस्पी बन जाए तो इसे हम निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो करी पाउडर रेडी है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब एक कढ़ाई गरम करके उसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो जाए तो उसमें हम ऐड कर देंगे बारीक से कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज के प्याज यूज़ की हूँ। तो सारे प्याज को कुछ मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक से कटा हुआ लहसुन और इस सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ऐड करेंगे चुटकी भर नमक। नमक ऐड करने से प्याज अपना पानी छोड़ेगा और जल्दी से फ्राई भी हो जाएगा। तो कुछ मिनट इस तरह से फ्राई करके इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। और मैं यहाँ पे 5 हरी मिर्च यूज़ की हूँ। आप लोग चाहे तो टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इसे कुछ मिनट तक फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैं 500 ग्राम चिकन ली हूँ और इसे नमक और हल्दी मिला के आधा घंटा के लिए रख दी थी। तो इस चिकन को अब इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से कुछ मिनट फ्राई कर लेंगे। और फिर इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटे चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ मिनट चिकन को फ्राई करके इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट। और यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज के टोमेटो यूज़ की हूँ जिसे मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना ली हूँ। तो टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद भी चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ करी पत्ता और ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैरिनेट के टाइम भी नमक ऐड किया हुआ था तो अब नमक को थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है। तो नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 10 मिनट लो फ्लेम में पका लेंगे। और 10 मिनट हो जाए तो ढक्कन हटा के इसे हम चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कवर करके पकाने से चिकन से कितना पानी छोड़ा है। आप गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर। अब जो करी लीव्स पाउडर रेडी करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ मिनट फ्राई कर लेंगे। कुछ मिनट फ्राई करके इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। और लेमन जूस ऐड करके फिर से इसे मिला लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और फिर से इसे थोड़ा सा मिक्स करके गैस का फ्लेम लो में रख के थोड़ी देर तक पका लेंगे। कुछ मिनट पकने के बाद जब इसका पानी सूख के ग्रेवी अच्छे से बन जाए तो गैस ऑफ कर दे और नान, रोटी, पराठा के साथ इसे सर्व कर ले। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का ये रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। Thank you.